आप इस ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हैं कि ताजमहल के पूर्वी गेट से आप एंट्री करेंगे तो आपको ये फ्रंट पे पूर्वी गेट दिखाई देगा और एंट्री करते ही आपको ताजमहल का दीदार हो जाएगा। ताजमहल के मुख्य मकबरे को आप देखेंगे तो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, जो कि राजस्थान के मकराना ज़िले के संगमरमर के पत्थर से बनाया गया था। इसकी सतह को आधारशिला को देखेंगे तो इसके मुख्य मकबरे को बनाने के लिए 12 साल का समय लगा था, शेष भाग को बनाने के लिए 10 साल का समय लगा था और लगभग पूरे समय को देखें तो 22 साल का समय इसे बनाने में लगा था। ताजमहल को शाहजहाँ द्वारा 1632 में अपनी पत्नी की याद में बनाया गया था, 1654 में इसे बनकर पूर्ण हो गया था। ताजमहल को देखने के बाद आप इस एंट्री गेट से एग्जिट करेंगे, ये आपका एग्जिट पॉइंट है और इसको जहाँ से आपने एंट्री करी थी वहीं पर इस एंट्री गेट से होकर आप वहीं पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं सामने पूर्वी गेट दिखाई दे रहा है, आपने यहीं से एंट्री की थी। ताजमहल को बनने में खर्च की बात करें तो उस समय के हिसाब से मूल्यांकन करें तो 3 अरब 20 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। यह कीमत आज के समय में खरबों में मापी जाएगी। इसका निर्माण राजस्थान के मकराना संगमरमर पत्थर से किया गया था, जो कि राजस्थान से लाया जाता था। इसके आयात निर्यात के लिए लगभग 1000 हाथी और बैलों का यातायात का साधन बनाया गया था। ताजमहल को कुल मिलाकर 28 प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों एवं श्वेत पत्थरों से बनाया गया है। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के किनारे दक्षिण तट पर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एक मकबरा है, जो कि 1632 में मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था। ताजमहल का निर्माण करने में टोटल 22 साल का समय लगा था। इसे बनाने में 20,000 मजदूरों, शिल्पकारों, वास्तुकारों का योगदान रहा है। ताजमहल के लिए 3 प्रवेश द्वार हैं, दक्षिण गेट, पूर्वी गेट और पश्चिम गेट। पश्चिम गेट का उपयोग अधिकतर स्थानीय लोग करते हैं और पूर्वी गेट का प्रयोग पर्यटकों द्वारा किया जाता है। यह पर्यटकों के बीच में सबसे लोकप्रिय गेट है। ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर है। ताजमहल विश्व के अजूबों में एक अपना स्थान रखता है। ताजमहल 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सभी धरोहरों में बड़ी ही प्रशंसा का विशेष स्थान प्राप्त है। ताजमहल का पूरा परिसर 3 तरफ से घिरा हुआ है, ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। चौथी ओर यमुना बहती है तो वहाँ दीवार का कोई मतलब नहीं बनता है। आप सामने देख सकते हैं ये एग्जिट गेट है, यहाँ पर आप अपना टोकन लगाकर एग्जिट कर सकते हैं, जो कि टोकन आपको टिकट काउंटर से आपको टिकट लेते समय दिया गया होगा, उसी टोकन के माध्यम से आपको इससे एग्जिट करना है। और एग्जिट करने के बाद आप सामने देख सकते हैं बाजार मिलेगा आपको, वहाँ पर ताजमहल से रिलेटिव सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ताजमहल के बाजार का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। ताजमहल का मुख्य मकबरा 17 हेक्टेयर यानी कि 42 एकड़ जगह में बना हुआ है। इसका मुख्य मकबरा केंद्र का बिंदु है। इसके परिसर में एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है। पूरा परिसर 3 तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। सामने देख सकते हैं आप इसके मार्केट है। मार्केट में आप सभी प्रकार की फोटोग्राफी, सभी प्रकार के हस्तशिल्प उपहार खरीद सकते हैं। ये आपका टिकट काउंटर है, यहाँ से आप अपना टिकट आकर ले सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सरकार द्वारा दुकानें भी दी गई हैं जिससे आप शॉपिंग कर सकते हैं। ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।